आप थोड़ा पिछे हो गए सारे पर काला पानी जिहड़ा साडी देन है नेचर ने काला पानी नहीं किया कदे भी ये साडी देन है तुहाडे बजुर्ग इत्थे नहाउंदे रहे होणगे मेरी उम्र दे लोक सारे नहाते रहे हो सो साडा सारे एज ए सोसाइटी फर्ज बनता है अगर असी नैक्सट जनरेशन नहीं तो सिचुएशन बड़ी खराब है। अज वर्ल्ड वैटलैंड डे भी है कि जड़िया छोटी छोटिया जिते पानी प्रडोमिनेंटली हैगा और उत्थे कुछ जगह बन जाती है जिते पशु पंछी घाह वगैरह पैदा होंदा उन्हूं बचाउण दा दिन है अज और इसे दिन बाबा जी ने उद्यम किया है इस दरिया नूं बचाउण दी साडी बेनती मन्नी इन्होंने कमिश्नर साहब बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं डिप्टी कमिश्नर साहब ने किया असी सारयां ने साडी पीपीसी की टीम कर रही है कोशिश कर रहे हैं कि इस जिदन तुसीं थ्रू तुहाडे थ्रू मैं कहना चाहुंदा सारे बेनती करना चाहुंदा लुधियाणे नूं बहुत वड्डियां वड्डियां कोठियां ने बहुत वड्डियां वड्डियां कारां ने पर सही मायने च लुधियाणा तद वड्डा हो बनेगा अगर इहदे विच दी बिल्कुल सफेद पानी जिहदे विच मच्छियां होण और तुसीं फखर समझो कि इहदे विच बोटिंग हो रही है और बच्चे तुहाडे दे विच तैर रहे हैं कई जगह दे विच तद जाके होएगा तुहाडे सारयां दे उद्यम दी लोड़ है। बाकी सरकारां ते जिन्ना कि प्रबंध करदियां करी जा रहियां जिन्ना वड्डियां वड्डियां कारां हैगियां ने उही पोल्यूशन आ रहे ने डेंगा वाले आ नहीं देखो सारे आपां इह नहीं कह सकदे मैं हुण आ रहा सी तां उत्थे देख रहा सीगा छोटे छोटे घर बने हुए दुकानां बनियां होईयां ने सारयां ने अपने आउटलेट दे विच छड्डे होए ने पिछे जाके देख लो जिहड़ियां बनियां ने हरेक बंदा कोशिश करदा है असी अपनी जिम्मेवारी नहीं समझते। सर एक आपने डेडलाइन दी थी कॉर्पोरेशन को भी कि भाई इसमें जो सीवरेज डिस्चार्ज कर रहे हैं वो देखो वो नहीं मार्च तक दी सी पर जितनी देर तक एसटीपी नहीं बनता हाँ जी जिथे पानी जाना क्योर होना उन्नी देर तक किवें हो सकते ने सारे। अच्छा तो इसमें कोई पेनल्टी वगैरह कुछ नहीं पेनल्टी तो जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के ऑर्डर है अगर उत्थे इंस्टीट्यूट ट्रीटमेंट नहीं करते तो वो अपने आप लागू हो जाने मार्च के बाद। हाँ पिछले मार्च जजमेंट तुम देख लो एक बार शोभा सिंह वाली वो लिखा हुआ की टाइम लाइन से वो चीफ सैकटरी साहब न हुक्म है नहीं तो नैशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ही करेगी ना जो भी करेगी साढ़े अधिकार खेत्र च नहीं है नैशनल असं रिकमेंडेशन कर सकते हैं कि एफर्ट्स हो रही ने कोशिश हो रही है
बाकी अगर एफर्ट भी नहीं होंगी कोशिश भी नहीं होंगी फिर तो की रिलैक्सेशन की मिलनी। बढ़िया बढ़िया कंपनी शुरू की गई है शहर के एयर पोल्यूशन सुधारण वास्ते नगर निगम और पीपीसी बहुत वधिया एफर्ट कर रहे हैं लेकिन एक नैशनल हाईवे वालों भी सरकार पट पट छड़िया हुई ने उन्होंने वालों कोई एफर्ट नहीं हो रहा। कारण है कि नगर निगम की एजेंसी हो रहा है नैशनल हाईवे एजेंसी हो रहा है गड्डिया चल दिया ने पूरा उसे पोल्यूशन हो रहा जी रोड के उपर इस चीज़ को लेकर सर की डायरेक्शन। देखो सारे वास्ते डायरेक्शन है कि जिथे भी कितने कोई इस तरह के काम चलते हैं नैशनल ग्रीन टूर होंगे एक नहीं कई जजमेंटा ने कि जिते कोई काम इस तरह के चलते हैं जिते डस्ट वगैरह उड़ती है उत्थे उन्होंने पानी स्प्रे करना पड़ेगा अगर नहीं करते तो लिख के दो कोई ना कोई एक्शन हो जाएगा उन्होंने। हाँ थैंक यू बाबा जी की फिर मैं बाबा जी बीड़ा चक्या गया वा बूटे लगाए जा रहे ने लगता कि सुधार हुण हो जाएगा गुरु महाराज अच्छे पातशाह ने करना सुधार तो जी भी की करना जी तो चलो उपराला ये सारे संगत सहयोग नाल ही आ नगर निगम नाल जस्टिस जसवीर सिंह आए ने होर संगतां तो अज शुरू किया 14 किलोमीटर का तकरीबन एरिया लगभग है इस 13 तरबेणियां लगनगियां 13 तरफले तकरीबन गुरु नानक साहब के नाँ के बाकी निम बोड़ पिपल ਸਤੂਤ ਅਤੇ ਪਿਲਕਣ ਇਹ ਵੱਡੇ ਦਰਖਤ ਲੱਗਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬੜੀ ਸਦੀਆਂ ਭਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਮਰ ਹੈਗੀ ਸਾਰੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੂਟੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਨਿਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਆ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਮੇਂ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਆਓ ਅਤੇ ਪਲੇ ਬੂਟੇ ਦੇਖੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ 2-3 ਸਾਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਅਤੇ ਵੈਸੇ ਬੂਟੇ ਵੱਡੇ ਲਾਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਲੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਲਾਏ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਅਰ ਨਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਕੇਅਰ ਦੇ ਨਾਲੇ ਪਲ ਚੜ ਜਾਣ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਨੈਕਸਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੀ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨੈਕਸਟ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਹੁਣ ਤੱਕ 500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕਾਂ ਦਰਖਤ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਹਰ ਸਾਲ 10-20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਜੰਗਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹ 14 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਏਰੀਆ ਇਹ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ 'ਚ ਪੂਰਾ ਉਮੀਦ ਆ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। ਹਾਂਜੀ ਤਰਵੇਣੀ ਹੈ ਬੋੜ ਪਿੱਪਲ ਅਤੇ ਨੇਮੇ ਨੂੰ ਤਰਵੇਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੇੜਾ ਆਵਲਾ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਤਰਫਿਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਹਰੜ ਬਹੇੜਾ ਅਤੇ ਆਵਲਾ ਉਹਨੂੰ ਤਰਫਿਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੋੜ ਪਿੱਪਲ ਅਤੇ ਨਿੰਮ ਨੂੰ ਤਰਵੇਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਇਹ 13 ਲੱਗਣੀਆਂ 13 ਤਰਵੇਣੀਆਂ ਲੱਗਣੀਆਂ ਅਤੇ 13 ਤਰਫਿਲੇ ਲੱਗਣੇ ਬਾਕੀ ਬੋੜ ਪਿੱਪਲ ਅਤੇ ਪਿਲਕਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਰੂਟ ਲੱਗੇਗਾ ਬੂਟਾ ਜਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਜਾਮਨ ਦਾ ਬੂਟਾ ਲੱਗੇਗਾ ਇੱਕ 'ਚ ਦੂਜਾ ਸ਼ਤੂਤ ਲੱਗੇਗਾ ਜੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਬੇਰੀ ਲੱਗੇਗੀ ਇਹ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਦਰਖਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਛੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰਾਹਗੀਰ ਆ ਕੇ ਉਹ ਫਲ ਵੀ ਛੱਕ ਸਕੇ ਨਾਲੇ ਸ਼ਾਮ ਹੋ ਸਕੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ।